इस बीच एक बड़ी खबर का रुख करते हैं जो कि देहरादून से मिल रही है, जो हरक सिंह रावत को 4 दिन बाद भी नहीं मिला किसी दल में ठिकाना। कांग्रेस में जाने की जता चुके हैं वो इच्छा, अब तक नहीं मिली है एंट्री। सूत्रों की माने तो बिना शर्त एक टिकट पर पार्टी में ले सकते हैं कांग्रेस, जहां पुत्र वधू को दिया जा सकता है टिकट। हरक सिंह रावत संभाल सकते हैं प्रचार की कमान। एक बार फिर संवाददाता मदन का रुख करते हैं जो देहरादून से लाइव बने हुए हैं। मदन, हरक सिंह रावत को 4 दिन हो चुके हैं जहां बीजेपी से निष्कासित कर दिया गया, और ऐसे में अभी तक किसी भी दल में उनको जगह नहीं दी गई है, तो अब आगे के कयास क्या लगाए जा रहे हैं कि आखिर उत्तराखंड की राजनीति किस तरफ करवट लेती हुई नजर आएगी? जी, इसी वजह से जिस तरीके से हरक सिंह रावत उत्तराखंड के सद्भावन नेता रहे हैं, और जहाँ तक उनकी राजनीति का सवाल, राजनीति के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए, तो वो एक अपने ही मनमाने अंदाज से राजनीति को उन्होंने दिया है, और कहीं ना कहीं बदलाव की तरह उनके शुरुआती दौर पर रहे हैं। तमाम जो है उन्होंने पार्टियां बदली है, और अब जो है कहीं ना कहीं जिस तरीके से पिछली बार 2016 में हमने जो प्रकरण देखा था उसमें जो है हरक सिंह रावत अपनी पूरी टीम को लेकर जो है भाजपा में शामिल हुए थे, और अब इस बार फिर एक बार दरपट बदलने की वो कोशिश कर रहे थे। लेकिन उससे पहले जो भाजपा ने जो एक बड़ा दाव चल दिया और उनको पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया, वो कहीं ना कहीं उनके लिए उल्टा पड़ता नजर आ रहा है। जिस तरीके से कांग्रेस भी जो है अभी कहीं ना कहीं उनको जो है वापस लेने में हिचकिचा रही है, तो निश्चित रूप से एक बड़ी समस्या जो है हरक सिंह रावत के सामने खड़ी हो गई है। 4 दिन बीत चुके हैं और अभी तक जो कोई ऐसी रिकॉर्ड नहीं है कि आज हरक सिंह रावत की एंट्री कांग्रेस में होगी, और ये भी कयास लगाया जा रहा है कि कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता है हरीश रावत, वो जो है कहीं ना कहीं उनको वापस लेने में हिचकिचा जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या हरक सिंह रावत की कांग्रेस में एंट्री होती है, और एंट्री अगर होती है तो किन शर्तों पर होती है। हालांकि ये भी सूचनाएं मिल रही हैं कि अगर कांग्रेस हरक सिंह रावत को वापस कांग्रेस पार्टी में लेती है तो वो अपनी शर्तों को लेंगी, और हरक सिंह रावत केवल एक चुनाव प्रचार मात्र जो है कार्य करेंगे। हालांकि उनकी जो बहु अनुकृति वो चाहिए जिनकी टिकट की मांग को लेकर जो है सियासत गर्म हुई थी, उनको शायद टिकट देने की बात कांग्रेस कह रही है। बहरहाल अभी ये देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से जो है मोर्चा पर बदलता है। बिल्कुल, किस तरह से अब यहाँ पे प्रचार की कमान संभालते हुए नजर आते हैं देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। लेकिन यहाँ पर हरक सिंह रावत को जिस तरह से अभी तक पार्टी में एंट्री नहीं दी गई है, उसके चलते अब किस तरह की यहाँ पर रणनीति बनती हुई नजर आ रही है, क्योंकि पहले ही यहाँ पर पूर्व सीएम हरीश रावत की तरफ से इस तरह की बयानबाजी भी सामने आ चुकी है कि जब तक वो माफी नहीं मांगेंगे तब तक किसी तरह से उनकी पार्टी में एंट्री नहीं होगी। और हरक सिंह रावत जिस तरह से अब यहाँ पर कांग्रेस में जाने की इच्छा जता रहे हैं, उसके चलते कांग्रेस में भी अब गुटबाजी का दौर यहाँ पर देखा जा रहा है। 2 गुट आमने सामने आ चुके हैं और विरोध किया जा रहा है हरक सिंह रावत का। जी, निश्चित रूप से बड़ा विरोध देखने को मिल रहा है, चाहे हम केदारनाथ सीट की बात करें या फिर डोईवाला सीट की बात करें, तो तमाम लोग जो है हरक सिंह के खिलाफ जो है विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जिस तरीके की 2016 में उन्होंने गतिविधियां की थी उसको लेकर तमाम नेता जो है नाराज है। कांग्रेस के कई बड़े नेता जो नव प्रभारी जो है मैनिफेस्टो के जो अध्यक्ष थे, तो उन्होंने भी जो है टिप्पणी उससे की है कि अब उनको वापस नहीं लिया जाना चाहिए। दल बदल कानून एक बार दो बार लोग करते हैं, लेकिन हरक सिंह रावत की आदत बन चुकी है कि वो जो है हर 5 साल में जो है पार्टी बदलने की मंशा रखते हैं और उसी प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहे हैं। तो निश्चित रूप से तमाम जो है बिल्कुल मदन, हरक सिंह रावत का अब अगला ठिकाना क्या होगा ये देखना काफी महत्वपूर्ण होगा, और 2022 विधानसभा चुनाव में किस तरह का असर डालेगा ये भी काफी दिलचस्प जो तस्वीरें हैं वो सामने आने वाली है। तमाम जानकारी साझा की मदन, उसके लिए शुक्रिया।